नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GSY नीरसर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज की जो क्लास होगी ये थोड़ा सा विविध टाइप के क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पे आपको मुगल से भी डाटा मिल जाएगा, यहाँ पे आपको हड़प्पा मोहनजोदड़ो से भी डाटा मिल जाएगा, यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं इजी टू मॉडरेट इस बार पेपर बनने वाला है और मॉडरेट में सब कुछ आ जाएगा। अब सीधे सीधे वो क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा कि बाबर के चितेरे कौन है, या फिर ये सीधा सीधा नहीं पूछा जाएगा बाबर जन्म कहाँ लेता था, शाहजहाँ कहाँ पैदा हुआ था, ठीक है, मकबरा कहाँ था उसका, आगरा था कि काबुल था। तो इस टाइप से क्वेश्चंस बनते थे, अभी तक बनते थे। हमें उम्मीद है कि इस बार जो 2022 का पेपर होगा, 2022 में थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चंस पूछेगा, तो थोड़ा सा घुमा के पढ़ने की जरूरत होती है। ऐसी पढ़ाई क्यों ना की जाए जिससे फाइनली सिलेक्शन ही हो। याद करने से डाटा तो सब कुछ याद हो जाता है, याद कराने की बहुत बहुत तकनीकें आ रही हैं, मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन उससे होगा कुछ नहीं। मैं बताना चाहूंगा, अगर फाइनली आपके कंटेंट दिमाग में है, क्वेश्चंस थोड़ा सा अगर घुमा के पूछ लिया जाए तब भी आपका राइट आंसर निकले, तब आपकी तैयारी बेटर होती। तो इस पे आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जैसे ईरानी या मुगल शैली में क्वेश्चंस तो खूब बनते हैं, चार पांच क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में हर बार लेकर के आते हैं, चार पांच क्वेश्चंस। कभी कभी तो अकबर से ही क्वेश्चंस बन जाता है, कभी जहांगीर से बनता है, कभी हुमायूं से लेकर के वहां तक जाता है, औरंगजेब तक। तो क्वेश्चंस घुमा के पूछे जाते हैं। आप जानते हैं सबसे ज्यादा चितेरे अभी तक पूछे जाते थे, बिचित्तर कहाँ का चित्रकार था, मुयर सैयद अली कहाँ का चित्रकार था, या फिर मूल रूप से पूछ लिया जाता था अकबर के चितेरों में सबसे खास कौन रहा है, सर्वश्रेष्ठ कलाकार जैसे बसावन का नाम आ जाता था। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस घुमा घुमा के अभी तक पूछे जाते थे और लोग वन लाइनर में होता था, रट लेते थे, आराम से काम बन जाता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस मार्किंग था नहीं, आराम से सभी लोग सिलेक्ट होते थे, जिसका नंबर ज्यादा, जिसकी मेरिट ज्यादा, फाइनली मास्टर वही। तो यही होता भी था, लेकिन अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो उस पे विविध भी आपको विशेष ध्यान दिलाने की जरूरत है। और विविध पे हम लोग एक विशेष जो है नजर के साथ पर डे कुछ ना कुछ देखने का प्रयास करेंगे, जो कि पब्लिक होगा, सभी लोग देखें। अभी तक क्लासेज जो है पब्लिक नहीं हो पा रही थी, क्यों? क्योंकि वो क्लासेज पेड ग्रुप के लिए थी और थोड़ी सी अस्वस्थता के कारण जो है बीच में बहुत सारी क्लासेज ड्राफ हो गई, तो अब उन्हें पुनः रेगुलर करने की कोशिश कर रहा हूं। पर डे आपको नया डाटा मिलेगा, आइए देखते हैं। इसी क्रम में जो है पहला पॉइंट लिया गया है, मुगल कला की नींव। मुगल कला की नींव लिखा है, मुगल काल नहीं, मुगल कला की नींव किसने डाली? तो बाबर का पुत्र आता है हुमायूं, वही हुमायूं जिसका जन्म कब होता है, 1508 ईस्वी के आसपास होता है, आप जानते होंगे, और हुमायूं ने ही दीनपनाह नगर की स्थापना की थी। तो वही हुमायूं कला की नींव डालता है, मुगल कला की नींव डालता है, ठीक है। हुमायूं बाबर का पुत्र होता है, बाबर वही जिसने मुगल सत्ता यहां पर स्थापित की थी। दूसरा पॉइंट, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, या क्वेश्चन कई बार पूछा गया, मुगल शैली की स्थापना किसने की है? तो मुगल शैली को एस्टेब्लिश करने का काम अकबर का रहा है, जबकि मुगल कला और साहित्य का स्वर्ण युग किसके काल का रहा है? मुगल कला और साहित्य का स्वर्ण युग किसके काल का रहा है? तो मुगल कला और साहित्य अगर जुड़ेगा शब्द तब भी अकबर ही राइट आंसर बनेंगे, जबकि मुगल चित्रकला अगर शब्द जुड़ जाए तब आपको राइट आंसर जहांगीर लगाना होगा। आप देख सकते हैं मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग किसका रहा है, तब जहांगीर राइट आंसर बनता है। जहांगीर के दरबार के बहुत उच्च कोटि के चितेरे रहे हैं, वही जहांगीर जिसका जन्म 1569 ईस्वी के आसपास होता है, आप जानते हैं, जिसका मकबरा कहां पे है, लाहौर, शाहदरा लाहौर में है, ठीक है। जहांगीर का मकबरा शाहदरा लाहौर में है, लाहौर लाहौर में है मकबरा इसका, ठीक है। बाबर का मकबरा कहां पे है, पहले आगरा में था, बाद में काबुल ले गया गया। हुमायूं का कहां है, दिल्ली है, हाजी बेगम में, ठीक है। और आप जानते होंगे अकबर का मकबरा तो आगरा सिकंदरा में ही है, अकबर का मकबरा कहाँ पे, सिकंदरा में ही है। आगे बढ़ते हैं, मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसका होता है? तो आप जानते होंगे जहांगीर का पुत्र आता है, स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है, बहुत प्रेमी शासक होता है शाहजहां। शाहजहां स्थापत्य कला के स्वर्ण युग के रूप में जाने जाते हैं, बहुत सारे मंदिर, बहुत सारे मस्जिद, बहुत सारे गिरजाघर इधर उधर करवा के अपना काम करवाए हैं, तो शाहजहां ने ऐसा कारनामा किया है स्थापत्य कला के लिए। मुगल स्थापत्य का संस्थापक पूछा जाएगा, देखो मुगल स्थापत्य कला, जो स्थापत्य कला का स्वर्ण युग पहुंचता है शाहजहां के काल में, उसी स्थापत्य का अगर संस्थापक पूछा जाए तो सीधे बाबर राइट आंसर लगाना होगा। वही बाबर जो फरगना का शासक होता था, छोटा सा क्षेत्र होता था फरगना, उसका शासक होता था, 14 फरवरी 1483 को जिसका जन्म होता था। मूल रूप से बहुत सारे राज्य विस्तार के लिए इसने हथकंडे अपनाए, चाहे वो पानीपत का युद्ध हो या फिर कुछ दूसरा। कलंदर की उपाधि अपने आप को धारण कौन करता था, यही बाबर किया करता था, और मूल रूप से कलंदर के रूप में दर्शाने का प्रयास करता था। बाद में इसने तुझके जहांगीरी में नहीं, तुझके बाबरी में, बाबर नामा इसका है ना, तो तुझके बाबरी में मूल रूप से बहुत सारे पाक साफ कार्यों को दर्शाने का प्रयास किया है। फिलहाल ऐसा नहीं है, पानीपत का युद्ध हो उसमें भी खूनों की नदियाँ बही हैं बहुत सारे, और ऐसे प्रयास हुए हैं जिससे राज्य हड़प की नीति टाइप का, बिल्कुल डलहौजी टाइप का कार्य किया है इसने, किसी को प्रलोभन दे करके, किसी को कुछ दे करके। तो मुगल स्थापत्य यानी बनवाने का काम बाबर के काल में स्टार्ट हो गया था। स्थापत्य होता है जो है जीर्णोद्धार का काम, जीर्णोद्धार ये लोग नहीं मानते हैं, उसे बनवाने का काम सीधे, जैसे आगरा बनवाया था किसने, आगरा पानी, आगरा यमुना नदी के किनारे,
तो उसे आप देखेंगे शाहजहां के द्वारा बनवाया जाता था। तो बाबर ने स्थापत्य कला को अपने साथ लेकर के आया, और आप जानते हैं फरगना का शासक होता है, यहां आता है, स्थापत्य कला को बढ़ावा देता है, यही वास्तविक संस्थापक भी है मुगल वंश का। 11 वर्ष की आयु में यह गद्दी पर बैठ जाता है, तब जाकर के राज्य हड़प नीति के थ्रू भारत तक आता है 1526 ईस्वी में। अगला पॉइंट आता है कि मुगल शैली का पतन प्रारंभ होता है। मुगल शैली का पतन किसके काल में? तो पतन प्रारंभ अगर पूछा जाए तो शाहजहां लगाना, और पतन हुआ है मुगल शैली का पतन तो औरंगजेब के काल में पूर्ण रूपेण पतन हो जाता है। यह चित्रकला को बैन कर देता है, इस्लाम विरुद्ध कर देता है, तब जाकर के यहां से चित्रकारी भगना स्टार्ट करती है, यहां पे मुगल शैली ही खत्म होनी स्टार्ट हो जाती है। तो मुगल शैली का पतन औरंगजेब के काल में होता है, जबकि पतन का प्रारंभ अगर पूछा जाए तो शाहजहां के काल में होता है। आगे बात करेंगे तो पूछा जाता है मुगल कला का पैतृक ग्रह क्या था। मुगल कला का पैतृक यानी पुराना घर कहां रहा है? तो हिरात यानी ईरान रहा है, हिरात यानी ईरान रहा है पैतृक घर, पहले वहीं से चित्रकारी आती है। आप जानते हैं फरगना से आता है, तो वो फरगना ईरान वाला काबुल वाला बेल्ट होता है, इसलिए बाद में उसका मकबरा कहां, पहले आगरा बनवाया गया था, किसका, बाबर का, बाद में काबुल ले जाया गया था। अगला पॉइंट आता है मुगल शैली की चित्रित प्रथम पांडुलिपि कौन सी है, चित्रित पहली पांडुलिपि कौन सी है? तो हजमा नामा जो अकबर वाला है, हजमा नामा मूल रूप से मुगल शैली की चित्रित पहली पांडुलिपि मानी जाती है। ये तो हो गया मुगल शैली। मुगल शैली में थोड़ा बहुत डाटा और देख लेते हैं, जैसे व्यक्ति चित्रण जिसे सभी ही कहा जाता है मुगल शैली का प्रमुख स्थान रखता है, सभी ही बनवाने का काम जो है सबसे खास काम अकबर का रहा है। 1556 जिस शासन में बैठा, 1605 तक जिसने शासन किया, 1605 तक शासन करता है वही अकबर, सभी बनवाने के लिए खास रहता है। अधिकांशतः व्यक्तिचित्र एक चश्म के चेहरे में बनाए गए हैं, एक चश्म चेहरों में मूल रूप से ज्यादातर कार्य हुआ है, कहां पे, मुगल शैली में। आगे बात करते हैं अकबर और जहांगीर काल का श्रेष्ठ सुलेख चित्रकार। सुलेखक कहा जाता है उसे जो बैठ करके आराम से चित्रकारी करे, लिखा करे, बैठा करे। तो मोहम्मद हुसैन कश्मीरी ऐसा नाम होता है जिसने सुलेखक का काम बहुत अच्छे से किया है, सुलेखक के रूप में जाने जाते हैं। जबकि अगर श्रेष्ठ चित्रकार की बात करेंगे तो आप जानते हैं अकबर में बसावन आ जाता है, जहांगीर में अबुल हसन आ जाते हैं। जहांगीर अबुल हसन को ज्यादा चाहता था, मंसूर को थोड़ा कम चाहता था, और शाहजहां फकीरुल्लाह खां को ज्यादा चाहता था। तो श्रेष्ठ चित्रकार हो जाते हैं, कलाकार हो जाते हैं। आगे बात करते हैं तो मुगल कला में चार प्रकार की लिपियों का प्रयोग खूब हुआ है। जैसे आप देखेंगे तो कूफी लिपि होती है, कूफी लिपि, नक्श लिपि और नस्ता लिपि और शिकस्त लिपि, तो ये चारों प्रकार की लिपियों का प्रयोग मुगल कला में हुआ है। औरंगजेब के समय में प्रसिद्ध सुलेखक लिपिकार जवाहर रकम आता है। जवाहर रकम सुलेख लिपिकार रहा है, किसके शासनकाल का, तो औरंगजेब के शासनकाल का रहा है। याद रखना कट्टर सुन्नी शासक रहता है, ये कट्टर मुसलमान अपने आप को कहता है ये। और अगला पॉइंट आता है मुगल कालीन सुलिपिकार, जैसे ख्वाजा अबू समद सिराजी की अगर बात करेंगे तो ये हुमायूं के रहे हैं। हुमायूं किसके बाप रहे हैं? तो हुमायूं आप जानते हैं किसके पिताजी रहे हैं? हुमायूं, तो हुमायूं अकबर के पिताजी रहे हैं। दीनपनाह नगर जिन्होंने एस्टेब्लिश किया वही हुमायूं हैं, उसी की सीढ़ी से गिरते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। दूसरा पॉइंट आता है मोहम्मद हुसैन कश्मीरी। मोहम्मद हुसैन कश्मीरी किसके सुलिपिकार रहे हैं? तो अकबर और जहांगीर के श्रेष्ठ सुलेखक रहे हैं, श्रेष्ठ सुलेखक के रूप में जाने जाते रहे हैं, बहुत खास रहे। मीर अब्दुल्ला की बात करते हैं, जहांगीर के काल का रहा है। अब्दुल रहीम खिरवाई रहा है, यह भी जहांगीर का काल का रहा है। अब्दुल रहीम खानखाना रहे हैं, यह भी जहांगीर के काल के अच्छे सुलेखक रहे हैं। जबकि जवाहर रकम की अगर बात करते हैं तो जवाहर रकम औरंगजेब के काल के अच्छे सुलेखक रहे हैं। जबकि मीर हासिम की अगर बात करते हैं तो औरंगजेब के पिताजी शाहजहां, शाहजहां के शासनकाल के बहुत अच्छे सुलेखक रहे हैं, मीर हासिम जी, मोर हासिम जी। तो ये नाम तो हो गया मुगल शैली से। मुगल शैली से क्वेश्चंस खूब बनते हैं, एक बार और सुपर फास्ट डिवीजन हम लोग देख लेंगे। फिलहाल आज में इतना मुगल शैली से, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा मोहनजोदाड़ो जो पाकिस्तान में होता है उसे देख लेते हैं। मोहनजोदाड़ो की अगर बात करते हैं तो मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लखराना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। ये लखराना जिला बहुत बार पूछा जाता है, याद रखना लखराना जिला कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। इसका उत्खनन का कार्य 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी यानी आरडी बनर्जी के द्वारा हुआ था। मोहनजोदाड़ो से हड़प्पा की दूरी 483 किलोमीटर बताई जा रही है। मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो ये कई बार पूछा गया है मृतकों का टीला किसका शाब्दिक अर्थ होता है, तो मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त अवशेष कौन कौन से हैं, जैसे सबसे विशाल अन्नागार कहाँ मिलता है, मोहनजोदाड़ो से मिलता है, मोहनजोदाड़ो से मिलता है। सबसे बड़ी इमारत यही मानी जाती है अन्नागार वाली, अन्नागार सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है किसकी, मोहनजोदाड़ो की। हालांकि मोहनजोदाड़ो से बहुत सारे डाटा, योगी की मूर्ति हो, जटाकार का हार हो, हाथी का कपाल हो, बंदर की मूर्ति हो, सब डाटा वहीं से मिला है। सौ दाह की अवशेष मूल रूप से कहाँ से मिले हैं, ये भी मोहनजोदाड़ो से मिले हैं। बृहद स्नानागार, अन्नागार और स्नानागार दोनों मिला है मोहनजोदाड़ो से। और नर्तकी की काश्य प्रतिमा, ये आपके टीजीटी के लिए बहुत खास क्वेश्चन, नर्तकी की काश्य प्रतिमा जो मिली है इसका हाइट बहुत बार पूछा गया है नर्तकी की प्रतिमा की, तो याद रखना 10.5 सेंटीमीटर होता है, इस बार राइट आंसर 10.5 सेंटीमीटर माना गया था।
4.1 इंच, बहुत किताब बहुत टाइप का डाटा लिखती हैं, कहीं 9.2 इंच ही मिलता है, कहीं कुछ मिलता है, एक ही किताब से एक टाइप का डाटा नहीं मिल पाता है, ठीक है। 4-5 किताब पढ़ेंगे तब जाके काम बन पाता है यहाँ पे। तो कभी भी एक ही तथ्य को सत्य नहीं माना जा सकता, जिस पे बार बार बदलाव होता है, जिसको आयोग भी घुमा के क्वेश्चंस पूछता है, जिसको आयोग भी घुमा देता है आंसर्स बनाने के लिए, तो उस पे आपको फोकस करना होगा। यहाँ 10.5 सेंटीमीटर आपको राइट आंसर लगाना होगा। आगे बात करते हैं, तो ये आप देख लीजिए डांसिंग गर्ल, ये है आपकी डांसिंग गर्ल, मोहनजोदड़ो से मिली है, कई बार तो यही क्वेश्चन पूछा गया है। इसका माप आप देख ही रहे हैं, 10.5 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, 2.5 सेंटीमीटर, 4.1 इंच लंबाई रही है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, यही राइट आंसर 2021 वाले में सीधा सीधा माना गया था, याद रखना 2021 में क्वेश्चन सीधा सीधा छपा था। तो ये तो हो गया इसका डाटा। अच्छा, बृहद स्नानागार जो मिला है उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, तो 11.88 × 7.01 × 2.43, इसका सब कुछ डाटा मीटर में है, याद रखना सब कुछ डाटा मीटर में है, बृहद स्नानागार जो मोहनजोदड़ो से मिलता है। आगे थोड़ा सा बात कर लेते हैं हड़प्पा से, हड़प्पा की अगर बात करते हैं तो वही हड़प्पा, हड़प्पा जो राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा खोजा जाता है 1921 में खोजा जाता है। नदी कौन सी होती है, रावी नदी, रावी नदी के किनारे है, मांटगोमरी जिला जो है पंजाब में पाया जाता है, मांटगोमरी जिला कहाँ वाला, पाकिस्तान वाला, याद रखना। हड़प्पा से प्राप्त अवशेष कौन कौन से हैं, तांबा गलाने कारखाना मिलता है, बर्तन के मछुआरों का चित्र मिल जाता है, 33 फुट चौड़ा मुख्य राजमार्ग मिल जाता है, तांबा का इक्का मिल जाता है, सूती कपड़े का टुकड़ा मिल जाता है, पक्षी का पिंजरा भी मिल जाता है, 6x6 के 12 कमरे मिलते हैं, पंक्तियों में बने गए हैं, बढ़िया अन्नागार हड़प्पा की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, बना नगार जो है 6x6 कमरे का, यह नगार हड़प्पा की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। शंख पर बना बैल भी मिला है, शंख पर बना बैल, वही है वर्तमान शंख वाला, जिसे आज के घरों में आप देखते होंगे सनातन संस्कृति के लोग शंख बजाते हैं, शंख फूंकते हैं, तो वही शंख पर एक बैल का चिन्ह भी दिखाई देता है। उर्वरता की देवी, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, वन डे इंटरेस्ट में बहुत बार आया है, यहाँ भी पूछा जा चुका है, याद रखना। उर्वरता की देवी कहाँ से मिला है, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा से मिलता है, वही हड़प्पा जो राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा उत्खनन करवाया जाता है, मांडगोमरी जिला पाकिस्तान में पाया जाता है, रावी नदी के किनारे। हड़प्पा से दो धड़ मिलते हैं, याद रखना, हड़प्पा से एक पुरुष धड़ मिलता है, एक नर्तक धड़ मिलता है, ये दोनों धड़ कहाँ से मिले हैं, हड़प्पा से ही मिले हैं, हड़प्पा से ही मिले हैं। हड़प्पा से लाल पत्थर में बना हुआ पुरुष धड़ मिला है, याद रखना, लाल पत्थर में बना हुआ पुरुष धड़ मिला है, पुरुष धड़। आदिनाथ ऋषभदेव का यह होता है, नटराज शिव का भी मिलता है, और मध्यकाला स्लेट पत्थर में मिलता है, ठीक है, 2500 ईसा पूर्व का लगभग माना जाता है आदिनाथ ऋषभदेव वाला, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित रखा हुआ है पुरुष धड़, याद रखना। तो क्वेश्चंस घुमा के पूछा जाता है, घुमा के पूछने की परंपराएं रही हैं, आगे भी रहेंगी, इस बार वैकेंसी थोड़ी सी कम है, इसलिए मॉडरेट पेपर बनेगा, तो इस पर आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। चलिए ठीक है, मिलते हैं सुन में, तब तक के लिए जय हिंद।